खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। कर्ज माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित करने आए प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर बने मंदिरों को पट्टे दिए जाएंगे, इसके लिए मंदिरों को चिन्हित भी किया जाएगा, साथ ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी की जाएगी। कृषि मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में जो वादे किए थे उसे पूरा किया है। अब सरकारी जमीनों पर बने मंदिरों को पट्टे देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मंच पर कलेक्टर एस विश्वनाथ को मंदिरों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साधु संतों का मानदेय भी कांग्रेस सरकार ने 3 गुना बढ़ा दिया है। पीसी शर्मा ने कहा कि नर्मदा में अवैध उत्खनन रोकने के लिए नर्मदा न्यास का गठन होगा, इसके कर्ता धर्ता भी साधु संत होंगे। नर्मदा में अवैध उत्खनन अपराध होगा, अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।